आपने तो देखा है कि झूठे विज्ञापन भी देते हैं। अब कल ही आपने देखा होगा, मोदी जी गए, उद्घाटन किया उन्होंने जेवर में, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा, तो सब अपनी सोशल मीडिया पे जितने भी इनके नेता हैं सब फोटो लगाने लग गए। सबने देखा कि बहुत बढ़िया है जेवर का एयरपोर्ट, पता चला चीन की फोटो है। और नोएडा में शिलान्यास करने गए थे, चाइना के एयरपोर्ट की फोटो लगाते हैं, अमेरिका की फैक्ट्रियों की फोटो लगाते हैं अपने विज्ञापनों में, आंध्र प्रदेश के बांध की फोटो लगाते हैं। तो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है कि सच्चाई बोलनी चाहिए जब जनता के सामने आते हैं। उनको ये एहसास नहीं हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके प्रति कोई जवाबदेही है उनकी। वे समझ रहे हैं कि उनका काम सिर्फ चुनाव में झूठे वचन देना, यहाँ आना मंच पर, तमाम आपके सामने वचन दे, उसके बाद आपको भूल जाएं, चुनाव जीत जाएं। उसके लिए कुछ भी प्रयोग हो तो ठीक है, धर्म का प्रयोग करेंगे, जाति का प्रयोग करेंगे, अलग अलग प्रयोग करेंगे। नवंबर में भी इसी घर में आके मारपीट की, 8 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। 2020 में किया, 2020 में भी किया, 2019 में किया, 2021 में सितंबर में किया, अब आके ये काम किया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले क्यों नहीं रोका, जब 2019 में आके किया इन्होंने, प्रताड़ित किया, तंग किया, मारा पीटा, उसके बाद 2020 में, उसके बाद सितंबर में, तो रोका क्यों नहीं, यहाँ सुरक्षा क्यों नहीं दी, यहाँ पे जो आज चौकी लगाई है वो उस समय क्यों नहीं लगाई। कानून दलितों के बारे में सिर्फ बात की जाती है क्या? ठीक है, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि दलितों के लिए न्याय नहीं है, न्याय नहीं है, किसानों के लिए न्याय नहीं है, महिलाओं के लिए न्याय नहीं है, न्याय सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सत्ता है, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, और जो उनके दोस्त हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए न्याय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए न्याय नहीं है। मैं 2 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ और बार बार ये स्पष्ट हो रहा है, बार बार ये दिख रहा है कि संविधान को नष्ट किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। सरकार के दावों को क्या कहेंगे मैम, कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें आप सब देख रहे हैं, आप देखिए जो वीडियो इन्होंने मुझे दिखाया वो आप देखिए, क्या होना चाहिए मैम इस पूरे मामले में, आप देखिए, और फिर अगर आप खुद नहीं बोलेंगे अगर, ठीक है, और ये उस एरिया में काम करते हैं जहाँ पे नक्सल बहुल एरिया है, तो ये देश की सुरक्षा कर रहे हैं और इनको क्या मिल रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। जो वीडियो मुझे दिखाए गए हैं और जो मुझे बताया गया है कि जिस तरह से ये हुआ है इधर, मैं खुद हिली हुई हूँ और दहशत में है परिवार, सब परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। महिलाएं हैं सारी, एक पुरुष हैं जो झारखंड में काम करते हैं, उनको घबराहट हो रही है कि वो अकेले अकेले क्या करेंगी, कल को कोई आके उनको प्रताड़ित करे। पुलिस से उनको सहयोग नहीं मिला, जो यहाँ के जो 2 पुलिस वाले जो हटाए गए हैं कल, महिलाएं मुझे बता रही थी कि जब वो जाती थी उनको कंप्लेंट करने के लिए तो मजाक करते थे, इनका हंसते थे इन पर, और जिस तरह से इन्होंने किया है, 15 साल की 17 साल की बच्ची है, उसका एक 10 साल का भाई जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, उसके साथ उसकी छोटी जो 15 साल की बेटी उनके साथ, और कुल्हाड़ी से उनके गले काटे हैं, किस स्थिति में छोड़ा है, मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसी परिस्थिति को देख के जो जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, ऐसी परिस्थिति को देख के कि किस तरह से इन लोगों के साथ किया जा रहा है, कैसे चुप रह सकते हैं, और कैसे हो सकता है कि इस देश में आज संविधान दिवस है, इस देश में एक संविधान है, इस देश में ये कि संविधान में लिखा है
कि इस तरह की के हादसे नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं बार बार हर दो दिन हर तीन दिन में आती हूँ, किसी से मिलती हूँ, ऐसा ही हादसा होता है। आगरा को देखिए, आगरा में क्या हुआ अरुण वाल्मीकि के साथ, हाथरस में क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है। तो जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है तो क्या सब चुप बैठे हैं, सब देखते ही रहेंगे क्या? तो फिर संविधान दिवस मनाने का क्या मतलब है, क्या मतलब रहा है? कुछ गिरफ्तारी हुई अगर शासन और प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं 11 लोग थे, स्पष्ट कह रहे हैं कि ये लोग हैं, पहली बार नहीं थी, इससे पहले सितंबर में भी इसी घर में आके मारपीट की, 8 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, 2020 में किया, 2020 में भी किया, 2019 में किया, 2021 में सितंबर में किया, अब आके ये काम किया है। तो इनको पहले क्यों नहीं रोका, जब 2019 में आके किया, इन्होंने प्रताड़ित किया, तंग किया, मारा पीटा, उसके बाद 2020 में, उसके बाद सितंबर में, तो रोका क्यों नहीं, यहाँ सुरक्षा क्यों नहीं दी, यहाँ पे जो आज चौकी लगाई है वो उस समय क्यों नहीं लगाई? कानून व्यवस्था बड़ी बड़ी बातें होती है मैम, यहाँ पे कानून व्यवस्था तो सही है, क्या कहेंगी मैम? लगातार आप किसी न किसी मामले में आ ही रही उत्तर प्रदेश, क्या लगता है कि दलितों के बारे में सिर्फ बात की जाती है क्या? देखिए, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि दलितों के लिए न्याय नहीं है, न्याय नहीं है, किसानों के लिए न्याय नहीं है, महिलाओं के लिए न्याय नहीं है। न्याय सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सत्ता है, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, और जो उनके दोस्त हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए न्याय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए न्याय नहीं है। मैं 2 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ और बार बार ये स्पष्ट हो रहा है, बार बार ये दिख रहा है कि संविधान को नष्ट किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। सरकार के दावों को क्या कहेंगे मैम? कानून व्यवस्था, मैं यही कह रही हूँ, आप सब देख रहे हैं, आप देखिए जो वीडियो इन्होंने मुझे दिखाया वो आप देखिए, क्या होना चाहिए मैम इस पूरे मामले, वो आप देखिए। और फिर अगर आप खुद नहीं बोलेंगे, अगर मीडिया आज नहीं खड़ी होगी, मैडम प्रियंका जी बोला जा रहा है कि तो कैसे चीजें बदलेंगे? बोला जा रहा है कि जब तक चुनाव आ रहा है तो आप दिखावा कर रही हैं, ऐसा कुछ है क्या? मेरे बारे में कुछ भी कह दें, हमेशा कहते हैं पहले मैं टूरिस्ट थी, फिर अब मैं दिखावा कर रही हूँ, कुछ भी कह दें, मैं आवाज उठाती रहूंगी, मैं इनके खिलाफ लड़ती रहूंगी, जहाँ अन्याय हो रहा है मैं जाती रहूंगी और मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी।